जय माता दी। प्रिय धनुराशि, 17 जून का दिन शिव योग का शुभ संयोग, शिव कृपा से होगा धन लाभ, जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। रोज की तरह शुरुआत करेंगे दैनिक पंचांग से। तो 17 जून का दिन सोमवार का दिन महादेव और महागौरी को समर्पित यह दिन भक्तों, चंद्रमा का संचार इस दिन तुला राशि में रहेगा और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षा की दसवीं तिथि, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। इस दिन शिव योग बनेगा, रवि योग बनेगा, चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इन शुभ योगों का फायदा धनु राशि को किस प्रकार मिलेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, इस दिन आपकी आजीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास, आपकी मेहनत सफल होगी, किसी विशेष निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन के कष्ट परेशानियां, आपको उनसे मुक्ति मिलेगी, सुख समृद्धि आएगी। आइए जानते हैं 17 जून का दिन किन किन रूपों में आपके लिए सौभाग्यशाली पलों की लेकर आ सकता है। इस दिन आपका भाग्य 90% साथ देगा और आपका लकी कलर प्रॉपर व्हाइट रहने वाला है। दोस्तों, इस दिन महादेव की विशेष कृपा आप पर बनती हुई नजर आ रही है, साथ ही इस दिन आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और शारीरिक शांति भी मिलती हुई नजर आ रही है। इस दिन आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, मजबूत होती जाएगी, दिन प्रतिदिन आपको आपके कार्य में विस्तार होता हुआ, ग्रोथ होता हुआ खुद ब खुद नजर आएगा और धनु राशि के जातकों के लिए शानदार ये दिन रहने वाला है। अगर कोई काम अटका हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा, जिससे आपका मन खिल उठेगा। आप अपने जीवन में सभी जिम्मेदारियां बखूबी से निभाएंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, धन प्राप्ति के मार्ग बन सकते हैं, आपकी लाइफ में स्टाइल बदलाव आएगा, सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है, परंतु सभी चीज़ों पर आप खर्च खूब करने वाले हो, तो धन को व्यर्थ में ना गवाए। दोस्तों, नौकरी और शिक्षा इन सभी क्षेत्रों में घूमने के लिए विदेश जाना पड़ सकता है धनुराशि के जातकों को। कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जिस क्षेत्र में काम करते हैं महादेव की कृपा से आप उस क्षेत्र में नंबर वन बन जाएंगे, अच्छा धन लाभ होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सभी सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा, समाज में अपना अलग स्थान बना पाएंगे, मित्रों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, विरोधी भी परास्त होंगे, परंतु लव लाइफ में आपकी थोड़ी अनबन यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना होगा, ध्यान व्यर्थ में नहीं गंवाना है। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत कैसे करें, मंगलकारी ये दिन आपका बीते, शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा के पाठ से इस दिन की शुरुआत करें और महादेव और महा दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपकी तमाम परेशानियां, संकट, बाधाएं और आप पर जो बिना बुलाए संकट आता है उनसे आपको निजात दिलाएं और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें।